शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। मजीद तीन शहरी गर्दने कटवा बैठे। पुलिस पतंगबाजों को काबू करने में नाकाम। शहरियों के लहू लुहान होने पर वजीर आला पंजाब उस्मान गुजदार का इजहार बरहमी। पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हदायत। CCPO को भी एहसास हो गया। पुलिस को पतंगबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म। मुतासरीन को धमकियां मिल रही हैं। सानिया साहिवाल के मुतासरीन के वकील का इंकशाफ। GIT पर ताबू ना करने का भी इल्जाम लगा दिया। धमकियों की 7 मिनट की रिकॉर्डिंग GIT को फराहम कर दी। वकील शहबाज बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया पर बनाई गई GIT ने आवाम से भी मदद तलब की। अखबार में इश्तेहार दे दिया। ठोस सबूत, चश्मदीद शहादत या वीडियो के हवाले से आवाम से ताबून की अपील। चौधरी निसार समेत हलफ न उठाने वाले अराकीन की असम्बली की रुकनियत मंसूख करने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की दरख्वास्त गुजार को असम्बली रूल दरख्वास्त के साथ लफ करने की हदायत। दरख्वास्त में वफाकी सूबाई हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और चौधरी निसार को फरीक बनाया गया है। वजीर खजाना असद उमर की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रीजनल ऑफिस आमद। FPCCI के रीजनल चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार समेत ताजी बरादरी से मुलाकात की। जिले अदालतों की खातीन जजेस के तहफ्फुज़ के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। जस्टिस आयशा ए मलिक कमेटी की सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने दीवानी कवानीन का जायजा लेने के लिए भी असरनो कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सिफारिशात तैयार करके चीफ जस्टिस को भिजवाएगी। तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने DGLDA आमना इमरान मलिक को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ठंडी ठंडी हवाएं, शहर में सर्दी की लहर बरकरार। सुबह सवेरे धुंध के भी डेरे। मोटरवे और शहर की सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त। आज कम से कम दर्जे हरारत 4 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर 14 परवाजें ताखीर का शिकार। 13 उड़ान ही न भर सकी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आम दौरानगी भी मुतासिर। कराची से आने वाली ट्रेनें भी कई घंटे लेट। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज ओपनर साहबजादा फरहान और जारिहाना बल्लेबाज आसिफ अली जनूबी अफ्रीका रवाना। वनडे सीरीज के बाद इमामुल हक और शाह मसूद की वतन वापसी होगी।